21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिन के निमित्त पुलिस मुख्यालय मैदान पर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों हुतात्मा स्मारक को पुष्प चक्र अर्पण कर अभिवादन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विनय गौड़ा जीसी, पुलिस अधीक्षक अरविंद साढ़वे, पुलिस उपाधीक्षक गृह राधिका फड़के, शेखर देशमुख आर्थिक गुना शाखा के साथ पूर्व विभागीय पुलिस अधिकारियों में आयुष नोपानी, सुधीर नंदनवार नाइक के साथ पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे और इस मौके पर वहाँ पर मौजूद उपस्थितों ने हुतात्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की। हुतात्मा हुए पुलिस अधिकारी, अमलदार तथा कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन की ओर से मान वंदना दी गई। साथ ही इस दौरान हुतात्मा हुए शूरवीरों के नाम पढ़े गए। इस मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ अन्य विभागों के अधिकारी एवं नागरिकों की उपस्थिति थी। वहीं इस मौके पर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए हुतात्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की। सांग ना प्रश्न विचार। 21 ऑक्टोबर हा पुलिस विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा स्तरावर शहीदांना आदरांजली व्यक्त करत त्यांचं स्मरण करत हा शहीद दिवस साजरा करण्यात येतो। पुलिस विभाग कायदा सुव्यवस्थेसाठी स्वतःचा जीव सुद्धा धोक्यात घालतात, जीवाची बाजी लावून समाजामध्ये शांतता असावी, समाजामध्ये सज्जन शक्तीच्या मागे पुलिस विभाग आपली पूर्ण शक्ती उभी करतो। अशा प्रसंगात जेव्हा कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीचं संरक्षण करण्यासाठी ते कार्य करतात आणि एखादा पोलीस अधिकारी कर्मचारी किंवा विविध पोलिसांशी संबंधित संस्थांमध्ये जीव गमवावा लागतो त्याचं स्मरण या दिवशी केलं जातं। या ठिकाणी मी त्या सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचारी ज्यांनी देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या सर्वांचं स्मरण करतो, त्यांना आदरांजली व्यक्त करतो। इस मौके पर भाजपा के महानगर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े के साथ पूर्व महापौर अंजलि घोटेकर, पूर्व नगर सेवक सुभाष कासन गुटवार, रापाल सिंह के साथ शांतता समिति के सदस्य तथा भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीडी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव गार्ग की।